ननकाना साहब में अपने वोट की ताकत से मुल्क की तकदीर बदलने के लिए मर्दों के साथ साथ खवातीन भी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रही हैं। वोटर्स के जोश जज्बे ने माजूरी को भी मौत दे दी है। वोट की अहमियत माजूर खवातीन को भी पोलिंग स्टेशन में ले आई है। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी नसर इकबाल। अजी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी वोटिंग के अमल में काफ़ी मुतहरक नज़र आ रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं भी वोट कास्ट करने आई हूँ और मैंने देखा है कि खवातीन जो है काफ़ी इंटरेस्ट लेके आ रही हैं। सुबह से थोड़ा सा रश कम था तो अब ज़्यादा हो गया है और हम चाह रहे हैं खवातीन का ये है कि हमारे बच्चों के लिए कोई नया मुस्तकबिल आए, कोई अच्छा हुक्मरान आए जो हमारे बच्चों का और हमारे मुल्क का सोचे। और इसमें ये है कि अगर कोई अच्छा हुक्मरान आएगा तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे, नहीं तो वरना 75 साल से जो हमारे हालात हैं, हम हालात में पिस रहे हैं, अवाम पिस रही है और हमारे बच्चों का पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है। हम चाह रहे हैं कि कोई अच्छा हुक्मरान आए और हमारे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बने और तलीम और सेहत के लिए जो मौका ज़्यादा बढ़े और रोज़गार भी बच्चों का ज़्यादा मिले। थैंक यू। जी आपने सुना इनका कहना कि हम ऐसे हुक्मरान का चुनाव करना चाहते हैं जो हमारे 75 साल के मसाइल हल कर सके, हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमली बना सके। जी